किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्वार के भाव के बारे में। आने वाले समय में ग्वार का क्या भाव रहेगा, किन कारणों से ग्वार की कीमतों में तेज़ी बढ़ सकती है। किसान भाइयों, बात करेंगे ग्वार की आयात निर्यात नीति के बारे में। किसान भाइयों, आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली पूरी जानकारी मिल जाएगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाए पास के बेल आइकन को सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। किसान भाइयों, बात करेंगे ग्वार के भाव के बारे में। किसान भाइयों, अभी कुछ दिनों से ग्वार के भाव में कोई खास तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। ग्वार का बाज़ार एक समान देखने को मिल रहा है। किसान भाइयों, ग्वार के भाव में न तो कोई तेज़ी देखने को मिल रही है और न ही कोई मंदी देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, ग्वार के भाव में कोई खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है। किसान भाइयों, बात करें कि आने वाले समय में ग्वार का क्या भाव रहेगा, किन कारणों से ग्वार के भाव में तेज़ी बढ़ सकती है। किसान भाइयों, कुछ जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में ग्वार के भाव में अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है और ग्वार निर्यात के में बढ़ोतरी हो सकती है। किसान भाइयों, अगर ग्वार निर्यात में बढ़ोतरी होती है तो ग्वार के भाव में काफ़ी सुधार देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, ग्वार में तेज़ी आने के कारण की बात करें तो किसान भाइयों, ग्वार में तेज़ी आने के बहुत सारे कारण हैं जिसे ग्वार के भाव में अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है। किसान भाइयों, ग्वार की बुआई सबसे ज़्यादा राजस्थान में होती है। किसान भाइयों, इस साल ग्वार की बुआई राजस्थान में बहुत ही कम हुई है और जिन क्षेत्रों में ग्वार की बुआई हुई है वहां अत्यधिक बारिश के कारण ग्वार की फसल में काफ़ी नुकसान हुआ है। किसान भाइयों, अनुमान है कि इस साल ग्वार का उत्पादन कम हो सकता है और ग्वार की अगर अच्छी खासी डिमांड होती है तो ग्वार के भाव में काफ़ी सुधार हो सकता है। किसान भाइयों, अभी मंडियों में ग्वार की आवक बहुत ही कम देखने को मिल रही है, इसके चलते मंडियों में ग्वार की डिमांड अच्छी खासी देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, आने वाले समय में अगर ग्वार की डिमांड अगर आगे भी ऐसे होती है तो ग्वार के भाव में काफ़ी सुधार हो सकता है। किसान भाइयों, कुछ जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में यानी कि नवंबर महीने के शुरुआती दिनों में ग्वार के भाव में अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है, क्योंकि किसान भाइयों, त्योहारी सीजन में हर साल ग्वार की अच्छी खासी डिमांड होती है। किसान भाइयों, इस साल भी त्योहारी सीजन में ग्वार की अच्छी खासी डिमांड होती है तो ग्वार के भाव में काफ़ी सुधार देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में ग्वार की कीमतों में काफ़ी उछाल देखने को मिल सकता है और ग्वार का भाव 15,000 के पार मिल सकता है। किसान भाइयों, यह थी एक छोटी सी जानकारी। किसान भाइयों, आप अपने माल को बेचने का निर्णय अपने स्वयं के विवेक से लेवे, इसमें हमारी YouTube की जिम्मेदारी नहीं है। किसान भाइयों, मिलते हैं अगले से नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।